अगर आपने ये वीडियो ओपन करी है तो इसका मतलब यही है कि आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं। तो टाइपिंग में आप कुछ भी नहीं जानते, इसलिए आपने ये टॉपिक सर्च करा है। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइपिंग की कौन सी ऐसी टेक्निक है जो हम करें तो हमें टाइपिंग आ जाएगी। उसके बाद स्पीड वगैरह तेज करना, तो उसके बाद का प्रोसेस होता है। पहले हमारा मेन टारगेट ये हुआ है कि हम टाइपिंग सीखें कैसे। तो हर चीज़ की कोई ना कोई एक टेक्निक होती है, तो टाइपिंग की भी एक टेक्निक है जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा और वर्बली भी बताऊंगा प्रैक्टिकल करने के बाद। आज की वीडियो बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको टाइपिंग नहीं आती। सो लेट्स ट्राई। रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे कि मेरा जो कंप्यूटर वो बंद है। अच्छा, तो ये है हमारा कीबोर्ड। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ तो फर्क दिख रहा होगा। सबसे बड़ा फर्क ये दिख रहा होगा कि इसमें नंबर पैड नहीं है, इसीलिए ये मैंने रिकमेंड करा है जिसमें नंबर पैड ना हो और आप आसानी से सीख जाएं इसमें। अच्छा, तो सबसे पहले हमें इस पूरे कीबोर्ड में क्या देखना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये क्वालिटी कीबोर्ड है, ठीक है, ये बेस्ट कीबोर्ड है, इससे हम आसानी से सीख जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अब हमें मालूम करना है इसमें से कि हमारी होम रॉ कहाँ है। होम रॉ क्या होती है कि जैसे हम अपने घर जाते हैं, घर में रहते हैं और ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस घर आते हैं, फिर घर से हम ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से वापस घर आते हैं, घर से हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस हम घर आते हैं। इसी तरह हम होम रॉ पर रहते हैं, लेकिन कहीं अगर हमको हमारा कुछ ऐसा वर्ड आ गया जो हमारी होम रॉ पे नहीं है, अल्फ़ाबेट, ऐसा अल्फ़ाबेट जो हमारी होम रॉ पे नहीं है, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे आना पड़ेगा। अच्छा, तो ये है हमारी होम रॉ, ठीक है, हम इस पे ही अपनी इसी पे रहेंगे हम। उसके बाद ये है हमारी अपर रॉ और ये है बॉटम रॉ, इसको लोअर रॉ भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास नंबर पैड वाला कीबोर्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास यहाँ पे सारे नंबर दिए हुए हैं और बाकी ये फंक्शंस किए हैं सारी। इसके अलावा डिलीट की थोड़ी सी छोटी है इसमें, इंटर की भी थोड़ी छोटी है और इसमें पेज अप पेज नेक्स्ट पेज अप पेज डाउन का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है और छोटा भी कर दिया उसको और एरोस एरोस की के साथ मिलाकर दे दिया उसको और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। और मेन चीज़ जो है हमारी वो ये है, ये हमारी मेन चीज़ है, तो ये सब की सेम रहेगी। अच्छा, तो हमें क्या सबसे पहले देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि हमारी होम रॉ कहाँ है, जैसे कि हम लोग को बताए ये हमारी होम रॉ बीच वाली। अच्छा, अब हमें क्या करना है, आप इसमें नोट करें ये दो कीज को एफ एंड जे, इसके ऊपर ये छोटा सा डैश सा बना हुआ है, ये थोड़ा सा बम्प है छोटा सा इसके ऊपर, के छोटा सा रेक्टेंगल जैसा बॉक्स है, रेक्टेंगल जैसा स्क्वायर है, छोटे सा रेक्टेंगल सा बम्प है, ये क्यों है, ये सब सारे कीबोर्ड में है होगा और आपको हर कीबोर्ड में मिल जाएगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, सिर्फ एफ और जे पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कीज हैं ये इनसे पूरा कीबोर्ड कंट्रोल होता है। कैसे? कि सिर्फ इन दोनों से नहीं, इसी पे आप अपनी इंडेक्स फिंगर जो होती हैं वो रखें और जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है वो जे पे आएगी, लेफ्ट हैंड वाली इंडेक्स फिंगर एफ पे आएगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि बाकी जो फिंगर बच गई उसको भी हमें रखेंगे, लेकिन वो कहाँ रखेंगे, सबसे पहले राइट हैंड से शुरू करते हैं, ओ लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले हम जो हमारी लिटिल फिंगर है जिसको लोग कहते हैं उसको हम रखेंगे ए पे, उसके बाद जो हमारी रिंग वाली फिंगर है उसको हम रखेंगे एस पे,
और हमारी जो मिडिल फिंगर है हम उसको रखेंगे डी पे, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको हम एफ पे रख देंगे। और इस पे ये जो थंब है हमारा लेफ्ट हैंड का वो हम ऐसे हवा में रहने देंगे या तो स्पेस बार पर रख लेंगे, लेकिन इससे स्पेस बार प्रेस नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जे के एल सेमी कॉलन। तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, ऐसे पढ़ेंगे, तो सेमी कॉलन एल के जे, ठीक है। अब सेमी कॉलन पे हम अपनी लिटिल फिंगर रखेंगे राइट हैंड की, और रिंग फिंगर रखेंगे हम एल पे, और मिडिल फिंगर रखेंगे हम के पे, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड की वो हम जे पे रखेंगे। और इससे ये जो हमारा थंब है ये हम रखेंगे स्पेस बार पे, इससे स्पेस बार हम प्रेस करते रहेंगे। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी पोजीशन है, और जो कि है ही यही रूल कीबोर्ड का कि क्वार्टी कीबोर्ड को इसी तरीके से कंट्रोल करा जाता है। तो हमारी इंडेक्स फिंगर सॉरी मिडिल फिंगर, तो हमारी लिटिल फिंगर ए पे, रिंग वाली फिंगर एस पे, मिडिल फिंगर डी पे, और इंडेक्स फिंगर एफ पे। उसके बाद एल पे हमारी सॉरी सेमी कॉलन पे हमारी लिटिल फिंगर, उसके बाद रिंग फिंगर हमारी एल पे, मिडिल फिंगर हमारी के पे, और हमारी इंडेक्स फिंगर जे पे। ओके, तो हमारी ये पोजीशन बन चुकी है। आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो आर्म्स हैं वो 90 डिग्री हो, लेकिन अगर नहीं हो पाते तो कोई मसला नहीं है, हो जाएगा काम आपका। ओके, तो अब यहाँ से आपको देखना क्या है, मैंने बोला था आपको कि आपको कुछ याद करना होगा, आपको क्या याद करना होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए एस डी एफ है, और इधर सेमी कॉलन एल के जे। सबसे पहले तो ये याद कर लें कि ये हमारी होम रॉ है, तो ए एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे, ठीक है, ये याद करें। अब हमारे पास जो है बची हैं ये जी और एच वाली कीज, इसको कैसे आपको करना है कि इस पर आप जब आप जब आपको इन दोनों का यूज़ करना तो वो कैसे करेंगे, आप इस फिंगर से यानी कि लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फिंगर से आप अपनी जी प्रेस करेंगे, राइट फिंगर से आप एच प्रेस करेंगे, तो ये इस तरीके से ये दोनों यूज़ होंगी। उसके अलावा अब जो मैंने बोला था आपको याद क्या करना है, एक तो ये चीज़ याद करनी है, उसके बाद आपको याद करना है ए एस डी एफ, ये हमें पता है, तो ए के ऊपर है क्यू, ए के नीचे है जेड, एस एस के ऊपर है डब्ल्यू, एस के नीचे है एक्स, डी डी के ऊपर है ई, ई के डी के नीचे है सी, एफ एफ के ऊपर है आर, एफ के नीचे है वी, जी जी के ऊपर है टी, जी के नीचे है पी। उसके बाद आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको यूँ आना है, तो सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के ऊपर है पी, सेमी कॉलन के नीचे है क्वेश्चन मार्क, एल एल के ऊपर है ओ, एल के नीचे है फुल स्टॉप, के ऊपर है आई, आई के नीचे है कॉमा, जे जे के ऊपर है यू, जे के नीचे है एम। अब आ जाते हैं एच, तो एच के ऊपर है वाई, एच के नीचे है एन, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है, और जब तक ये याद नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे टाइपिंग, तो ये याद करना बहुत 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 ज़रूरी है, इससे ये होगा कि आप बगैर देखे समझ जाएंगे कि कहाँ हमें क्या, कहाँ उंगली जाएगी तो क्या प्रेस होगा। तो ये आपको करना है किस तरीके से, अब मैं आपको बताता हूँ। ये वाली फिंगर से यानी कि मिडिल लिटिल फिंगर से ए क्यू और जेड प्रेस होने वाला है, और बाकी के जो साइड के बटन होते हैं ये हो गया कंट्रोल हो गया शिफ्ट हो गया कैप्स लॉक हो गया टैब हो गया, और ये जो है ये इनका नाम नहीं पता मुझे। अच्छा, इसमें हमारे पास है इस तरह भी है हमारे पास शिफ्ट, इधर हमारे पास एंटर है, इधर कैप्स लॉक है एंटर की जगह, इधर बैक स्पेस है, इधर ये चीज़ है अलिफ मदार जैसी, और ये डिलीट है, डिलीट छोटा है, तो ये थोड़ा सा अलग सा कीबोर्ड है तो आपको फर्क दिखेगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि ए इस वाली फिंगर से लिटिल फिंगर से ए क्यू और जेड प्रेस होंगे, ये रिंग फिंगर से आपके एस
W और X प्रेस होंगे, मिडिल फिंगर से आपके D, E और C प्रेस होंगे, आपके इंडेक्स फिंगर से F, R, V और G, T, D, B प्रेस होंगे, और एक थंब से आप करना चाहे तो कर ले अगर आप लेफ्ट हैंड नहीं है, वरना आप ज्यादातर कोशिश करें कि राइट से ही प्रेस करें, याद रहेगा आपको लेफ्ट से कर देंगे और फिर राइट से कर देंगे आप। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, ए बी, तो कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ तो मैंने इससे भी कर दिया इससे भी कर दिया, फिर करें तो दो स्पेस हो जाएंगे, तो इसी से करें आपको याद रहेगा। अब आपको क्या करना है कि ये वाली फिंगर हमारी हो गई, हमें पता चल गया ए के ऊपर क्यू, ए के नीचे जेड, एस के ऊपर डब्ल्यू, एस के नीचे एक्स, डी के ऊपर ई, डी के नीचे सी, एफ के ऊपर आर, एफ के नीचे वी, ये मैंने भी याद करा, मुझे याद है, बगैर देखे मैं टाइप कर सकता हूँ। अच्छा अब आ जाता है सेमी कॉलम, सेमी कॉलम के नीचे हमें सेमी कॉलम पे हमें ये वाली फिंगर रखनी है, मिडिल फिंगर, ओह सॉरी लिटिल फिंगर, तो मुझे ये भी याद है, मैं बगैर देखे अगर आपको सुनाऊँ, अभी मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसे टाइप कर सकता हूँ, आप लोगों की तरह मुँह करके प्रूफ करके, ये प्रूफ करूँगा, मैं कंप्यूटर की भी स्क्रीन दिखा रहा हूँगा कि मैं बिल्कुल सही टाइप कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर हमारे पास है सेमी कॉलन, सेमी कॉलन से ऊपर हमारे पास पी है, जो हम इस मिडिल फिंगर से पी सेमी कॉलन और क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे, इस फिंगर से रिंग फिंगर से हम करेंगे एल ओ और फुल स्टॉप को प्रेस, इस मिडिल फिंगर से हम करेंगे के आई और कॉमा को प्रेस, उसके बाद हम करेंगे जे यू एम को प्रेस, उसके बाद इसी फिंगर से हम करेंगे एच वाई और एन को प्रेस, उसके बाद हम करेंगे इस थंब से राइट थंब से हम अपनी स्पेस बार को प्रेस करेंगे। ओके तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए ये बम भी दिए हुए होते हैं छोटे छोटे से। अच्छा सबसे जो आसान मेथड जो मैंने आपको बताया है वही आसान मेथड है, जो मैंने अभी आपको मेथड बताया ये सबसे ज़्यादा आसान मेथड है, आप जब तक ये कीबोर्ड्स के फंक्शन को याद नहीं करेंगे, मतलब कीबोर्ड्स की कीज को याद नहीं करेंगे कि किसके पास किसकी है किसके बाद किसकी है, तो ये आपको आने वाला नहीं है, और अगर आपने ये याद कर लिया तो थोड़े हल्के 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 करके आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतर होती जाएगी और बढ़ जाएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और अभी मैं आपको बता दूं मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो है, बहुत 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 स्लो है, तो थोड़ी देर पहले मेरी टाइपिंग स्पीड जो थी वो 10 ओ सॉरी 4 WPM थी, यानी कि 4 वर्ड पर मिनट, तो ये स्पीड थी, उसके बाद मैंने ये सब सीख लिया, उसके बाद मेरी स्पीड हो गई थी 6 हो गई थी मेरी स्पीड, ठीक है। और अगर आप यूं यूं करके टाइप करें देख देख के तो आपकी स्पीड तो बहुत तेज़ हो गई, बहुत बहुत तेज़ हो जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं करना है, और ज़्यादातर अगर हम बगैर देखे टच टाइपिंग करें तो हमारी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, और अगर देख देख के करेंगे कीबोर्ड की तरह तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ मैं खूब ऐसे ही झूठ मूठ से कर रहा हूँ, मैं असली में मुझे ऐसी कोई टाइपिंग नहीं आती, मुझे सिर्फ आती है ये जब आएगी ये टाइपिंग, टाइपिंग सबसे एक ही जैसी होती है लेकिन स्पीड का फर्क होता है, यही काम जो मैं अभी यूं कर रहा हूँ ये हल्के हल्के भी कर सकता हूँ इस तरह, यूं इस तरह। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा पैनल है पूरा कीबोर्ड है ये समझ में आ गया हो। ये तो था प्रैक्टिकल हमारी टाइपिंग का। अच्छा अब मैं आपको वर्बली भी बता देता हूँ। अच्छा हमें जो ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया था आपको प्रैक्टिकल के दौरान, हमें ध्यान रखना है कि जे और एफ का दोनों के ऊपर एक रेक्टेंगल से बार टाइप का कुछ होता है जो कि थोड़ा सा ऊपर हुआ होता है, और हम उसको टच करके हमें पता चल जाएगा, हमें फील हो जाएगा कि यही जे है और यही एफ है, तो ये हमारी होम ड्रॉ में कीस आती है, तो इसकी टेक्निक मेन टेक्निक यही है कि आप होम रॉ को पहचाने कि होम रॉ कहाँ होती है, हमारी होम रॉ होती है एफ और जे के की, जे एफ एंड जे की कीज जहाँ मिलती हैं वही हमारी होम रॉ होती है पूरी। उसके बाद हमें ये दूसरी जो बात है वो हमें ये
पता होनी चाहिए कि हमें फिंगर प्लेसमेंट कैसी करनी है कीबोर्ड पे। तो हमने हमारी जो होम रॉ है उस पे हमारे पास है ए एस डी एफ। तो ए एस डी एफ ए एस सॉरी ए एस डी एफ यानी कि ये ए के लिए यूज़ होगी, ये एस के लिए यूज़ होगी, ये डी के लिए यूज़ होगी, ये एफ के लिए यूज़ होगी, ये ए के लिए यूज होगी, ये फिंगर हमारी एस के लिए यूज होगी, ये हमारी डी के लिए यूज होगी, ये हमारी एफ के लिए यूज होगी। ये जो राइट हैंड का थंब है अंगूठा वो हवा में रहने दें, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, अगर आपने इससे स्पेस बार प्रेस कर दी तो आप दोबारा इससे भी करेंगे स्पेस बार प्रेस ले तो वो दो दफा हो जाएगा और आप भूल जाएंगे कि आपने इससे भी करी है। तो इसको हवा में रहने दें या स्पेस बार पे रख लें, दबाए करें। उसके बाद ये वाला जो थंब है हमारा लेफ्ट हैंड का, ये हम रखेंगे स्पेस बार पे, इसी से स्पेस बार भी प्रेस करेंगे राइट हैंड थंब से। उसके बाद हमारा ये है, यहाँ से शुरू हो जाती है कहानी। तो यहाँ ये वाली लिटिल फिंगर हमारी राइट हैंड की आएगी सेमी कॉलन पे, ये वाली एल पे, ये वाली के पे, ये वाली जे पे, ये हमें याद रखना है। ये इस तरीके से फिंगर प्लेसमेंट होगी। उसके बाद अब दूसरी जो अब जो मेन टेक्निक है, ये तो एक मेथड हो गया, अब उसी मेथड के अंदर टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि ए एस डी एफ और सेमी कॉलन एल के जे, इनके ऊपर वाली रॉ और इनके नीचे वाली रॉ के आपको याद कर लें पूरा। जैसे कि ए है, अब ए के ऊपर क्यू है, ए के नीचे जेड है, एस है, एस के ऊपर डब्ल्यू है, एस के नीचे एक्स है। उसके बाद है हमारा ए एस डी एफ, एफ के ऊपर आर है, एफ के नीचे बी है। उसके बाद जी है, जी के ऊपर टी है, जी के नीचे बी है। उसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन के ऊपर हमारे पास पी है, सेमी कॉलन के नीचे क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद हमारा है एल, एल के ऊपर ओ है, एल के नीचे फुल स्टॉप है। और उसके बाद हमारे पास के ऊपर आई है, के नीचे हमारे पास है कॉमा। उसके बाद हमारे पास जे, जे के ऊपर यू है, जे के नीचे एम है। उसके बाद हमारे पास है एच, एच के ऊपर वाई है, एच के नीचे एन है। तो ये पूरी कीज आप याद कर लें। इससे क्या होगा कि जब आप बैठेंगे तो आप अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहे होंगे और बिल्कुल नीचे नहीं देख रहे होंगे। इसी से टच टाइपिंग आप सीखेंगे, ऐसे जब आपको ये चीज़ याद हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा अगर ए है तो वो ए कहाँ है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे ए टाइप करना, तो मैं ए के लिए ये वाली फिंगर जो होती है वो थोड़ी सी आगे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा सीधी तरफ लेके जाऊंगा, बल्कि इस तरफ लेके जाऊंगा और क्यू प्रेस करूंगा। अब मुझे इस तरीके से अगर ये करना है, ए एस डी एफ तो हमारे हाथ में ही है। मेन चीज़ें जो है वॉवल्स का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वॉवल्स हर वर्ड में आता है, तो वो आप ढूंढ लें और आसानी हो जाएगी आपके लिए कि वॉवल्स आप देख लें कि कहाँ कहाँ आते हैं। तो हमारा ए तो इसी हाथ में होता है, ई हमारा डी के ऊपर होता है, और आई हमारा के के ऊपर होता है, और ओ हमारा एल के ऊपर होता है। उसके बाद यू हमारा होता है जे के ऊपर। तो ये याद कर लें तो उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर मैं आपको एक टिप और दूँ तो ये है कि जो जितने जो ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हर जगह आते हैं, जैसे कि दा, इन और हेल्पिंग वर्ड जो होते हैं, वो आप वो भी देख लेंगे वो टाइप कैसे होंगे, तो आपको उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दा है, मैं अभी आपको डेमो भी दिखा देता हूँ कि मैं क्या सच बोल रहा हूँ। मैं इसका डेमो भी दिखा देता हूँ कि मैं स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कैमरा भी चल रहा होगा कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। तो ये रहा, मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ, तो अभी मेरा कीबोर्ड ये रहा, ठीक है। अब कीबोर्ड से मैं ए बी सी डी टाइप करके दिखाने वाला हूँ सच, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ए बी सी डी ई
आर कहाँ होता है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलो हो गया। तो ये तो मैंने कर लिया। और आप लोगों के सामने करा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बगैर देखे, गलती नहीं हुई, गलती नहीं हुई, बिल्कुल गलती नहीं हुई, क्योंकि मुझे याद है ये सब कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है, ये सारी लाइनें तो हमें मुझे याद हैं, ये भी याद है, और डब्ल्यू एस ये सब भी याद है, होम रो हमारी ये भी, और बाकी सब एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे होता आ रहा। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई हो आपको, ये टेक्निक समझ में आई हो ये अच्छी सी, और अगर ये आपको टेक्निक समझ में आ गई हो, आप सीख गए हो और आपके लिए कुछ आसानी हुई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, everything.com नो लिमिट्स, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत जल्दी ऐसी अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी टिप्स बताने वाला हूँ बहुत जल्दी ग्राफिक डिज़ाइन के ज़रिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।